सो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें वही हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और जब वहां बेहोश पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को होश आता है तो वो उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वहाँ उसे कई डेड बॉडीज मिलती हैं। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लेता है। वहीं हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जो उस हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट से बच गई थी, पर वो अभी भी पूरे शॉक में थी। जब पुलिस वहाँ आती है तो वो इन सब मर्डर के पीछे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को ही रिस्पॉन्सिबल समझते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते पर हैं। पुलिस को वहाँ फर्स्ट पार्ट के मेन विलन स्टैनली और एलन दोनों में से किसी की डेड बॉडी नहीं मिलती। तभी हमें स्टैनली को दिखाया जाता है जो कि किसी तरीके से बच गया था। फिर मूवी सीधे 5 साल बाद शिफ्ट हो जाती है जहाँ स्काई बैग से मिलने आई होती है। स्काई एक न्यूज़ पढ़ती है जिसमें लिखा था उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को पुलिस ने छोड़ दिया था। और इसके अलावा स्काई बैथ को ये भी बताती है कि पुलिस को वहाँ ना तो स्टैनली की बॉडी मिली थी और ना ही एलेन की, मतलब वो अभी भी जिंदा हैं। और ये बात बिल्कुल सही थी। तभी बैक की रूममेट वहाँ आती है और वो अपने साथ हुए इंसिडेंट को उसको बताती है। वो उसे ये सब बताती है कि कैसे उस हॉस्पिटल में उन्हें अब्यूज़ करके वीडियो बनाई गई और उनके फ्रेंड्स को मार दिया गया था। फिर हमें एक सुनसान इलाके में एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ मैरी नाम की एक लेडी रहती थी और वो वहाँ एक एनजीओ चलाती थी। वो उन फीमेल्स को वहाँ पे रखती थी जिनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ था। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो मेरी को बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे मारा पीटा है, और ये सुन के मैरी उसे उस एनजीओ में रखने के लिए बोल देती है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो काफ़ी टाइम से उस एनजीओ में रह रही थी। मैरी उसको अपने रूम में आने के लिए कहती है। जैसे ही वो लड़की मैरी के रूम में आती है उसके पीछे से एलन आके उसके सर में मार के उसे बेहोश कर देता है। और यहाँ पे ये कन्फर्म हो जाता है कि एलन अभी भी जिंदा था और उसने अपने वही वीडियो वाला बिजनेस जो कि फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कंटिन्यू रखा था। और अब इन सब कामों में उसकी बेटी मैरी जो कि एनजीओ चला रही थी उसकी हेल्प कर रही थी। एलन मैरी से कहता है कि उन्हें जल्दी से इस लड़की के साथ वीडियो बना के डार्क वेब में देनी पड़ेगी। तभी वहाँ स्टैनली भी आ जाता है जो अब इन्हीं के साथ रह रहा था। फिर मैरी स्टैनली को ऑर्डर देती है कि वो उस लड़की को बेसमेंट में ले जाके रख दे। फिर स्टैनली उस लड़की को ले जाके बेसमेंट में बांध देता है और फिर एलन सेंटा की कॉस्ट्यूम पहन के उस लड़की को एब्यूज़ करता है और एंड में उसको मार भी देता है और इसकी पूरी वीडियो डार्क वेब के लिए बना लेता है। एलन जब बेसमेंट से ऊपर आता है तब मैरी इस वीडियो को देख के कहती है कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी शूट हुई है और इसलिए इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन स्टैनली उनके कंप्यूटर्स में कुछ छेड़छाड़ कर रहा था और जिसकी भनक उन दोनों को लग जाती है। एलन मैरी से कहता है कि स्टैनली एक साइको आदमी है जो पता नहीं कब क्या कर सकता है, इसलिए उन्हें उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें बैथ उसके रूममेट और उसके रूममेट के बॉयफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। तभी स्टैनली वहां उसको ट्रैक करते हुए आ जाता है और एक रेस्टोरेंट वर्कर को मार देता है। वहीं इस इंसिडेंट से अनजान बैथ उस दिन अपने मॉम डैड के पास जा रही थी और वो अपनी रूममेट को बताती है कि आज वो अपने रूम पे नहीं आ पाएगी और वहाँ से चली जाती है। ये सुन के बैथ की रूममेट और उसका बॉयफ्रेंड साथ नाइट स्पेंड करने का प्लान करते हैं। और जब वो बाहर जाते हैं तो हमें स्टैनली को दिखाया जाता है जो उन्हें घूर रहा था। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें स्काई को दिखाया जाता है जो अपने मॉम डैड के पास जाती है। स्काई उन्हें बताती है कि अभी भी उसे हॉस्पिटल के नाइटमेयर्स आते हैं और अभी भी वो इस इंसिडेंट से उभर नहीं पाई है। इस पे उसके मॉम डैड उसे रिलैक्स करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैथ के रूममेट और उसका बॉयफ्रेंड रूम में होते हैं तो उन्हें वहाँ किसी की आवाज़ आती है, पर चेक करने पर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी फ्रिज के पीछे हम स्टैनली को नोटिस करते हैं जो वहाँ आ गया था। वहीं एनजीओ में एलन मैरी से स्टैनली के बारे में पूछता है। इस पे मैरी उससे कहती है कि उसने दिन भर से स्टैनली को नहीं देखा। एलन कहता है कि उस साइको स्टैनली पर उन्हें नज़र रखनी पड़ेगी। एनजीओ में एलन अपना नेक्स्ट शिकार ढूंढ रहा था और वहाँ उसे एक लड़की दिखती है और वो मैरी से उस लड़की की हिस्ट्री पूछता है।
तब मैरी उसे बताती है कि उस लड़की के डैड ने उसे 9 ईयर्स तक एब्यूज किया है और इसी कारण वो एनजीओ में आई थी। और वहीं स्टैनली बैथ की रूममेट के बॉयफ्रेंड को एक रेंच से मार देता है और उसके बाद वो बैक के रूममेट को बेहोश कर देता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को बेड से बंधा पाती है और उसके सामने स्टैनली होता है। स्टैनली उसके बाद उसे एब्यूज और टॉर्चर करता है और उसे बैथ और स्काई की लोकेशन पूछता है और पता मिलने के बाद वो उसे मार देता है। वहीं एलन को जो लड़की पसंद आई थी वो उसे ड्रग देके अब्यूज करता है। वहीं एनजीओ के बाहर उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है जो उसे मारता था। वो उसे वापस लेने आया था पर एलन उसे वापस जाने के लिए कहता है, पर वो आदमी कहता है कि वो अब अपनी वाइफ को कभी नहीं मारेगा और इसलिए वो उसे ले जाने आए हैं। लेकिन तभी मैरी उसे शूट कर देती है और इसके बाद वो उस लेडी के पास जाके पूछती है कि उसके हस्बैंड को उस एनजीओ की लोकेशन कैसे पता चल गई। और इस पे वो लेडी उसे बताती है कि वो यहाँ आने से पहले कुछ लोगों को यहाँ के बारे में बता के आई थी। ये सुन के मैरी गुस्से में उस लेडी को मार देती है और अपनी सर्वेंट को उन दोनों हस्बैंड वाइफ की बॉडी डिस्पोज करने के लिए कहती है। इसके बाद वो एलन के पास आके कहती है कि उसने पता लगा लिया है कि स्टैनली क्या कर रहा है और वो उसे कुछ पेपर्स दिखाती है जिसमें बेथ और स्काई की सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल थी। और एलन समझ जाता है कि स्टैनली उन दोनों को ट्रैक कर रहा है और उनसे बदला लेना चाहता है। पर मैरी यहाँ पे कहती है कि वो दोनों स्टैनली से पहले बैथ और स्काई को पकड़ लेंगे क्योंकि उनकी वीडियोस को लोगों ने बहुत लाइक किया था और वो उन दोनों की फिर से डिमांड कर रहे थे। फिर रात को जब स्टैनली वापस घर आता है तब एलन उस पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ऐसे बिना बताए वो घर से नहीं जाया करे क्योंकि वहाँ बहुत काम पेंडिंग है। इस पे स्टैनली गुस्सा होके उसका कॉलर पकड़ लेता है पर एलन यहाँ पे थोड़ा दिमाग से काम लेता है और स्टैनली को किसी तरीके से समझा कर वहाँ से भेजता है। और इसके बाद मैरी और एलन एक और लड़की को अब्यूज़ करके उसकी वीडियो बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टैनली अपने कंप्यूटर पे देखता है कि किसी ने उसकी सारी फाइल्स डिलीट कर दी हैं और वो समझ जाता है कि ये सब मैरी और एलन के काम थे। वहीं मैरी एलन को बताती है कि उसने बैथ और स्काई का एड्रेस पता लगा लिया है और अब वो उनको पकड़ सकते हैं। वहीं स्टैनली मैरी और एलन को ढूंढ रहा था पर वो उस एनजीओ में उसे कहीं नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ बैथ जब अपने रूम में लौटती है तो उसे अपनी रूममेट नहीं मिल रही थी। वो उसे आवाज़ लगाती है और फाइनली वो उसे अपने रूम में मरी हुई मिलती है। बैथ डर जाती है और रोने लगती है। तभी वो उस रूम के मिरर में लिखा हुआ देखती है, यू लाइक मी नाउ। और अब वो ये समझ जाती है कि ये काम स्टैनली ने किया है। वो जल्दी से स्काई को वार्न करने के लिए फ़ोन करती है पर स्काई कॉल रिसीव नहीं कर पाती। और जब थोड़ी देर बाद स्काई अपना फ़ोन देखती है तो उसे बैथ का एक वॉइस मेल मिलता है जिसमें बैथ बोलती है कि स्टैनली वापस आ गया है। स्काई बैथ को कॉल करती है पर अब वो उसका फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। फिर कुछ टाइम बाद मैरी एक गैस एजेंसी एजेंट बनके स्काई के घर में आती है और कहती है कि उनके घर की गैस उसे चेक करनी है और वो बेसमेंट में जाके गैस चेक करने का दिखावा करती है। लेकिन तभी वहाँ सैटन मास्क पहने हुए एलन आ जाता है और वो स्काई को बेहोश कर देता है और वो गन पॉइंट पर स्काई के मॉम डैड को बांध देता है। इसके बाद एलन स्काई की मदर को एब्यूज करके वीडियो शूट करता है और वीडियो शूट होने के बाद वो उन दोनों को मार देता है और इसके बाद वो स्काई को लेके अपने साथ एनजीओ में आ जाता है। वहीं बेथ पुलिस को बुला के सब कुछ सच से बता देती है। वो उन्हें स्टैनली के बारे में बता देती है कि वो वापस आ गया है और वो उन्हें ढूंढ रहा है। उधर ढूंढने पर स्टैनली को मैरी के रूम में उसके पेपर मिलते हैं और वो ये कन्फर्म हो जाता है कि मैरी और एलन उसके प्लान जान गए हैं। ये जान के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो नीचे जाके उन पे चिल्लाने लगता है। तभी बातों बातों में मौका देख के एलन उस पे इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद वो अपने सर्वेंट से कह के उसे एक रूम में शिफ्ट करा देता है। लेकिन उनकी ये सब हरकतें उस एनजीओ में रहने वाली लड़कियां देख लेती हैं पर मैरी उनसे कहती है कि स्टैनली को एक बीमारी होने के कारण उसे स्ट्रोक्स आते हैं और इसीलिए उन्हें उसे इंजेक्शन देना पड़ता है। उधर स्काई को जब होश आता है वो अपने आप को बेसमेंट में पाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती। वहीं जब स्टैनली को होश आता है तो वो खुद को कमरे में बंद देख के एलेक्स और मैरी पे बहुत गुस्सा होता है और वो दरवाज़ा तोड़ के मैरी के रूम में उसे मारने चले जाता है। लेकिन तभी वो वहाँ लगे सीसीटीवी मॉनिटर में स्काई को बेसमेंट में बंद देख लेता है और माइक में स्काई से कहता है कि वो उसके पास आ रहा है। लेकिन उससे पहले उसे एक ज़रूरी काम करना है और वो एक हैमर लेके मैरी को मारने चले जाता है पर मैरी उसे बातों में उलझा कर उसके हाथ से हैमर छीन लेती है और मौका देख के वो उसके पैर में एक नाइफ से स्टैब कर देती है।
पर स्टैनली को इस नाइफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो मैरी को उसी नाइफ से स्टैब करके मार देता है। जब एलन वहां आता है तो वो स्टैनली से पूछता है कि उसने मैरी को क्यों मारा। इस पे स्टैनली उसे बोलता है कि उसके काम के बीच में आ रही थी। तब एलन बोलता है कि अब एनजीओ की सब लड़कियों को उनकी सच्चाई पता लग जाएगी। स्पेस स्टैनली उससे बोलता है कि वो उन सबको मार देगा और वो एक एक करके एनजीओ की सब लड़कियों को मार देता है। फिर एलन स्काई के पास जाता है और उन दोनों में थोड़ी हाथापाई होती है, जिसपे एलन स्काई को बेहोश करके एक बॉक्स में बंद कर देता है। उधर पुलिस को बैथ की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था और वो वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद बैथ डिसाइड करती है कि वो खुद ही जाके स्टैनली को मारेगी। वो फिर स्काई को कॉल करती है और इस बार कॉल एलन उठाता है और उससे कहता है कि अब नेक्स्ट टारगेट उसका वही है। लेकिन बैथ उससे कहती है कि वो खुद ही उसके पास आ रही है और अगर उसमें हिम्मत है तो वो पुराने हॉस्पिटल में आए। और ये सुन के स्टैनली और एलन स्काई को लेके हॉस्पिटल में चले जाते हैं। बैथ जब हॉस्पिटल में जाती है तो उसे वही पुराना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मिलता है और उसे बताता है कि वो बिना कुछ क्राइम किए ही फंस गया और इसलिए अब वो दुनिया से दूर इस हॉस्पिटल में रहता है। बैथ उससे बोलती है कि क्या वो स्टैनली और एलन को मारने में उसका साथ देगा और वो तैयार हो जाता है। उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद एलन और स्टैनली वहां अपना वीडियो मेकिंग इक्विपमेंट सेट करने लगते हैं ताकि वो बैथ और स्काई की वीडियो बना सकें। तभी बैथ एलन के पीछे आके उस पर गन पॉइंट करती है, पर एलन उस पर अटैक करके ओवरपावर कर देता है। वो उसे मारने ही वाला था तभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आके एलन को बेहोश करके बैथ को बचा लेता है। इसके बाद बैथ एलन को कैमरे के आगे बांध कर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को उसे अब्यूज करने के लिए कहती है ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। पर तभी बैथ को किसी के आने की आवाज़ आती है और वो उसे स्टैनली समझ के अंधेरे में गोली चला देती है, लेकिन उसने गलती से स्काई को ही शूट कर दिया था। फिर वो स्काई के पास जाके रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन तभी पीछे से स्टैनली आके उस पर नाइफ से स्टैब कर देता है और ये देख के वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद एलन स्टैनली को खुद को आज़ाद करने के लिए कहता है, लेकिन स्टैनली उससे कहता है कि वो उसे नहीं खोलेगा क्योंकि उसके हॉस्पिटल में आने के बाद ही उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई। और इसके बाद वो एक नाइफ से एलन का गला काट देता है। तभी बैथ के हाथ में एक गन लग जाती है और वो स्टैनली को शूट करके मार देती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आती है और उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को देखती है और समझती है कि उसने ही ये सब मर्डर किया है और वो उसे फिर से अरेस्ट कर लेती है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी हॉस्पिटल वन एक्सप्लेन की वीडियो देख लें। मूवी का थर्ड पार्ट आएगा ये पक्का नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।